पूरा डाउन होके ताकि नीलगाय हमें देख ना ले। हम सामने से कैप्चर करना चाहते हैं, अपने आंखों से देखना चाहते हैं नीलगाय हमें बाद में उड़ा ना दे। हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो ये है एक और दिन बिहार में हमारा, और आज माहौल वाला थोड़ा साउंड है चारों तरफ नॉइस है, मतलब इधर पे शादी हो रही है जिसके वजह से गाना वगैरह बज रहा है, और आज मतलब आज भंडारा है जिसमें साधु लोगों को खिलाएंगे। साफ सफाई लेपा पोती चल रहा है इधर, मतलब ये वीडियो में ला दिए। तो मतलब आज साफ सफाई करेंगे, उसके बाद साधु को खिलाएंगे, उसके बाद टिकट काटने, अभी तो टिकट काटने जाएंगे। कुंदिगे तो ये किधर पे जाएगा घूमने? कोई जगह कुंदिगे कुंदिगे महाराष्ट्र से, मतलब कल तो नाम लिखा के आए थे तत्काल टिकट के लिए, अभी काटने जाएंगे, मिलता है या नहीं वो जाके पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। जाएंगे अभी, खाना पीना खाया नहीं, खाना बन रहा है उधर ही, कारीगर लोग बना रहे हैं, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिला बस्ती टाइप, क्योंकि 20-22 लोग हैं इधर। तो हम चल पड़े मतलब टिकट काटने, और इधर रास्ते पे इतना ज्यादा धूल मिट्टी है, मतलब धूल बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टर चल रहा है इधर, ट्रैक्टर की वजह से इधर धूल बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ट्रैक्टर का आना जाना होने से धूल ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बारिश भी नहीं होता, बारिश होने से तो कीचड़ बन जाता है एकदम। तो ट्रेन का टिकट काटने आए हैं, इधर भीड़ है काफी ज्यादा, मतलब तत्काल मिलता है या नहीं ये तो नहीं पता, अभी देखते हैं, क्योंकि लाइन पे लग के काटना पड़ता है, अभी लाइन बहुत ज्यादा है, मतलब इधर मिलने का चांस नहीं, 10 मिनट में मिलता है या नहीं वो देखते हैं, अभी तो इधर भीड़ है। तो तत्काल टिकट काटने आए थे लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि 1-2 मिनट का टाइम रहता है, मतलब तो मतलब बता दिया कि होगा नहीं अभी, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये है लवंग क्या नाम है लवंग, स्प्रिंग जैसा दिखता है हमारे इधर का स्प्रिंग, ये लवंग ये वाला। तो ये रहा लवंग, लेवेंडिस जैसा नाम है लवंग बोले, तो ये खा के देखते हैं। तो हमारा जलेबी बन के तैयार हो गया, मतलब गर्मा गर्म जलेबी लेके जाएंगे। तो इधर बन रहा है मीठा पान, बिहार में ये दूसरी बार है हम लोग जब मीठा पान खाएंगे, पहली बार खाया था ज्यादा अच्छा नहीं था, भैया पूरा जबरदस्त बना रहे मीठा पान, हम लोग को इम्प्रेस करने के लिए आसाम में जाके तारीफ करेंगे भैया का, चलिए वीडियो ही देख लेंगे लोग। तो ये बिहार में मेरा दूसरा मीठा पान है, कैसा है मैं तो खाने के बाद ही बाद में बताऊंगा, ये बहुत बड़ा है, बहुत कुछ दिया है इधर, मतलब बढ़िया लगा, दूसरी बार का ज्यादा अच्छा है पहली बार से। तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सामने के रास्ते में किसी मतलब मर्डर हो गया, किसी बुजुर्ग को मार दिया उसके परिवार के किसी ने, पता नहीं क्या हुआ सीन, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ था, बस बांध दिया था रास्ते में, जाम कर दिया था, जाना आना बंद कर दिया था चारों तरफ से। तो हम इधर से जाएंगे अभी दूसरे रास्ते से। तो हम लोग आगे घर पे, मतलब अभी तो खाना बन रहा है इधर, और खाना खा भी रहे इधर, तो बस उधर से कुछ खा के आए थे, इधर खाएंगे रोटी तो खाते हैं अभी, वही तो कुछ करने को है नहीं, बहुत सारा गद्दा हो गया ना, जगह वाला कितना अच्छा है, गद्दा वाला सब बिछा दिया था इधर, मेरा हाथ में कटा था वो, उसको देख के बोल रहे देख और टैटू देख के, मेरा हाथ के टैटू देख के बोल रहे। तो अभी ऐसे ही निकल पड़ा, मतलब रास्ते पे चल रहा हूँ, और टिकट वाला हो गया हम लोग का, हम लोग जाएंगे करीब नहीं हम लोग जाएंगे संडे के बाद, क्योंकि टिकट इधर से एक जगह में हुआ, उसके बाद उधर रहेंगे 8-9 घंटे, उसके बाद ट्रेन है, क्योंकि तत्काल मिला नहीं था, हम लोग उज्जैपुर से आए थे रिटर्न, उसके बाद फिर से गए थे उज्जैपुर टिकट काटने, क्योंकि तत्काल का नहीं मिला। तो अभी ऐसे घूम रहा हूँ, इधर बाबू भी है, गाय देख रहा, गाय को चारा नहीं दे रहा, ऐसे पत्ता दे रहा, वो भी सूखा है, अभी तक शाम हुआ नहीं, 4 बजा है, साफ कुत्ते वाला है, इधर कुत्ते भी निकलते हैं बहुत साइज में, ह्यूज, काट देंगे तो हम लोग काटते नहीं, लेकिन मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हो सकता है काट सकते हैं। इधर थोड़ा अंधेरा है, इधर पूरा बांस का बागानी है, पूरा गोल सिस्टम है, बहुत दूर पर बांसर बागान, पूरा बांस का बागान है, आए थे पहले भी वो भी दिखाए थे, अभी मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, तो हमें फिर से दिखा नीलगाय, क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसके वजह से नीलगाय वाला अच्छे से दिखेगा नहीं। ये रहा नीलगाय, तो हम नीलगाय देखने जा रहे हैं सामने, नीलगाय के सामने खेतों के बीचों बीच, इधर खेत मतलब इधर प्याज का खेत, और ये तो शायद मूली होगा, शायद मुझे नहीं पता अच्छे से, मूली ही है ये सब। हम लोग पूरा डाउन होके जा रहे हैं, मतलब पूरा डाउन होके, ताकि नीलगाय हमें देख ना ले, हम सामने से कैप्चर करना चाहते हैं, अपने आंखों से देखना चाहते हैं नीलगाय हमें बाद में उड़ा ना दे।
डाउन होके जा, डाउन होके जा, सामने से दिखने का जिंदगी में कभी देखा है या नहीं? नहीं देखा ना, आज देख ले, मेरे वजह से जो संभव होगा देख। ये देखो सामने के लोगों ने भगा दिया नीलगाय को, तो फिर से हम लोग जा रहे हैं नीलगाय की तरफ। और तो दो देखो लोग जा रहे हैं नीलगाय की तरफ। बोए बोए थोड़ा सा बैठ जा, सामने से देखना चाहते हैं ये हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल होता है या नहीं। ये बहुत बड़ा है नीलगाय, आरोप से बहुत लगे माओ का बच्चा ऊपर पाए। तो हम वापस जा रहे हैं नीलगाय को देखने के लिए दूसरे रास्ते से। तो हम जा रहे हैं नीलगाय को देखने के लिए। बोए 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 देख से, ये नीलगाय हमें ही देख रहा है उधर से। मतलब ये माँ है, ये बच्चा है, एक बच्चा एक माँ है शायद, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो ऐसे गेस कर रहा हूँ इधर से। ये है नीलगाय बहुत सामने से, ये बहुत नजदीक हो गया, ये तो बहुत ज्यादा नजदीक हो गया। इतने सामने से पहली बार देखा, इतने सामने से पहली बार नीलगाय को देखा। इसका झुंड ना निकल जाए, मुझे पीछे से उड़ाने दे, उड़ा ना दे, जाने देते हैं। मतलब इधर धान भी घना होता है, सब कुछ हाइब्रिड जैसा ही है, सब कुछ बड़ा बड़ा, सब कुछ चावल ही है। चावल है ना, धान है ना, पहले धान उसके बाद चावल, पहले धान आया था उसके बाद चावल आया था, तो धान का खेत आया था पहले। तो वही नीलगाय को पीछे छोड़ के हम लोग आ गए। अभी तक नीलगाय गया नहीं, इधर ही इधर है, इस उंगली के तरफ, लेकिन दिखेगा नहीं। हमको भगा नहीं रहा था नीलगाय को, कोई भगा रहा था, हम भाग रहे थे, बेजुबान जानवर हम बन गए थे, क्योंकि हमें डर लग गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है नीलगाय कैसे भगाते हैं या फिर वो खुद भागता है। बच्चा तो निकलो, तो चला गया, चला गया। अभी फाइनली हम जाएंगे, अभी सच में जाएंगे इधर से, क्योंकि हो गया शाम भी बहुत ज्यादा। अंधेरी शाम को हम लोग जा रहे हैं जंगलों के बीचों बीच। मतलब पीछे तो खेत है, और इधर हम लोग पहले भी आए थे ना, आए थे मतलब आधा आए थे हम लोग, आज पूरा दिखाएंगे, पूरा इधर से जाएंगे। इधर इधर दफनाते, ये सब लोगों को दफना दिया, इधर भी दफना दिया किसी को, हवा खबर करने इधर भी दफना दिया, इधर भी किसी को दफना दिया, इधर भी दफना दिया। हम लोग ग्रेवियार्ड के बीचों बीच से जा रहे अभी, और साइड मतलब इधर कुछ मतलब समाज का ऐसा रूल है कि इधर दफनाते हैं, कुछ का जलाते हैं, हिंदू समाज ही है लेकिन अलग अलग सिस्टम है, तो बहुत सारे लोगों को इधर दफनाते हैं। तो पूरे जंगल से हम लोग निकल के आ गए, और अभी हम लोग जाएंगे घर में, क्योंकि और साउंड भी घर में ही बज रहा है सब इतना ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह में पैर धुलाते हैं, मतलब गुरु जी का क्या का, तो आज इधर भी देखेंगे हम लोग। आज का मेन गेस्ट, चीफ गेस्ट,